तो हम ये जानना चाहेंगे आप आज किसके साथ गाना कर रहे हैं, पहले उनका आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने साथ। मैं आज पहली बार कांत करिश्मा जी के साथ ये देशभक्ति गीत किया हूँ। मेरे बहुत ही शानदार गीत था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक इसमें फीमेल वॉइस की ज़रूरत थी और कांत करिश्मा की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, ये बहुत अच्छी सिंगर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया कि आप ये देशभक्ति गीत हमारे साथ ड्यूट करेंगी, तो इन्होंने मेरी कंपोजिशन को सुना और सुनते ही बोल दिया कि हाँ करेंगे, और आज वो हमारे साथ इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में आई। कैसा लग रहा है आपको? आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं, पहले से ही काफ़ी एल्बम आपकी आ चुकी हैं और सीमा जी आपके साथ पहली बार काम कर रही हैं, तो क्या फीलिंग है? देखिए, इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो बहुत ही यूनिक होती हैं, अलग होती हैं। वो आवाज़ हमें करिश्मा के अंदर मिली, इसकी आवाज़ में वो बात है, तो इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत देशभक्ति से करते हैं इनसे, और भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो आगे हम लोग और भी बहुत सारे गाने करेंगे। किस तरह का म्यूजिक है उसके बारे में बताइए। ये देशभक्ति का जी। देशभक्ति का बहुत ही सुंदर मीठा म्यूज़िक बनाने की कोशिश की है हमने, और ये जो गीत है देशभक्ति का वंदे मातरम, ये बहुत ही ज़्यादा चलता है मध्य प्रदेश में। हम जब स्टेज शो करते हैं, देशभक्ति के शो करते हैं, तो इस गाने को ज़रूर गाते हैं, और इस गाने में जो लिरिक्स हैं, जो शब्द हैं, वो हमारे सीधी के बहुत ही अच्छे बड़े कवि डॉक्टर राजकरण शुक्ला जी की कुछ रचनाएं इसमें शामिल हैं और कुछ रचनाएं मेरी हैं, यानी हमारे और उनके दोनों के मिलन में, मिलनसार में ये गीत बना है। बहुत ही शानदार उनके शब्द हमने ले लिए हैं और ये बहुत ही अच्छा गीत बना है। आवाज़ के चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। बस ये कोशिश है कि मैं इस गाने को, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से गाने की कोशिश की है, और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने फैंस हैं, जितने फॉलोवर हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं, वो सब इस देशभक्ति गीत को ज़रूर सुनें और मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दें। बेहिचक मैं ये कहना चाहूँगा कि गीत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि डॉक्टर राजकरण शुक्ला जी की जो लेखनी है वो बहुत ही अच्छी है और उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, और हमने वही चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश की है। अब तक आप कितने देशभक्ति गीत गा चुके हैं? रोमांस से अलग आपकी जो एक आप छवि है, वो हम क्या माने, देशभक्ति माने, रोमांटिक माने, सैड सॉन्ग वाली माने? मेरी छवि आप केवल एक कलाकार की माने, क्योंकि हम केवल रोमांटिक या केवल भक्ति या केवल देशभक्ति ही नहीं गाते, बल्कि हमें जो अच्छा लगता है, जो काम मिलता है, उसे हम बहुत अच्छा 100% देने की कोशिश करते हैं। इसलिए चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे लव सॉन्ग हो, या किसी भी तरह का सॉन्ग हो, भक्ति की, क्या धार्मिक सॉन्ग भी आपने बहुत सारे गाए? बहुत सारे, हमारे गाने की शुरुआत ही धार्मिक से हुई है, मैंने शुरुआत देवी गीत से किया। गाना बहुत हिट हो रहा है नात जो आपने पढ़ी है, कुछ उसके बारे में बताइए कि वो कैसे, आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और आपने नात पढ़ी, तो वो कैसे हुआ? मुझे कुछ नया करने में बहुत मजा आता है, इसलिए हर तरह के गाने गाते गाते मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और अलग करना चाहिए, तो ये जो नात शरीफ है उसके बारे में मैंने जाना, और मुझे जब वो मिला तो मुझे लगा मुझे गाना चाहिए, और वो भी मैंने गाया है। पहला मैंने भोजपुरी भी गाया है जो कि छठ गीत था, और अभी एक रिसेंटली जो मेरा साईं बाबा का गाना आया हुआ है, जो आप सभी लोग उसको ज़रूर सुने, दीवाना तेरा हो गया। तो अभी और भी कुछ नया सुनने को मिलेगा इस एल्बम के अलावा? आप तो महीने महीने निकालते रहते हैं। इस एल्बम के अलावा इस महीने बहुत सारे सॉन्ग आने वाले हैं। एक तो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र अशोक कुमार दीप जी, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके लिखे हुए दो सैड सॉन्ग हमने बेवफाई के गाए हैं, वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं, वो भी आप सुनेंगे। गीत संगीत उसमें दीप जी का ही है, और कुछ और गाने हैं, दिल्ली की म्यूज़िक कंपनी है CIC पिक्चर्स, उसके लिए अभी कुछ गाने कर रहा हूँ। तो ये 2019 का जो जनवरी का महीना है, इसमें लगभग 7 से 8 और 10 गाने भी मेरे आ सकते हैं एंड एंड तक में। स्टेज शो से आपका नाता रहा है, तो सियासत से आपका कितना ताल्लुक है, तो आपकी मध्य प्रदेश में आप कौन सी सियासती रंग देने वाले? मैं वैसे सियासत को ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देना चाहता हूँ, और यही मैं भी चाहता हूँ कि चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो कोई भी हो जो संगीत को प्यार करते हैं, वो सभी लोग अपना मुझे प्यार दें, आशीर्वाद दें। कहाँ कहाँ पे आप किस किस के सांसद होने के उसमें आप गीत गाएंगे, कुछ MP के बारे में बताइए? नहीं, हम तो गायक हैं, हमें तो जो भी हमारे हमको बुलाएगा, चाहे वो कोई भी सांसद हो या CM हो या विधायक हो, किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि संगीतकार किसी एक का नहीं होता,
कलाकार किसी एक का नहीं होता, वो हर किसी का होता है। और इसीलिए हमेशा मैं कहा करता हूँ, मेरे जो फॉलोवर हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरी ये लाइन हमेशा याद करते हैं, मैं बोलता हूँ और वो सुना करते हैं और कहते हैं कि ये लाइन आप ज़रूर बोलेंगे, मुझे पता है। संगीत को तबीयत का अलल कहते हैं, हम फूलों पर नहीं कांटों पर गज़ल कहते हैं। औरों की निगाह में होगा सिर्फ एक ताजमहल, हम तो हर झोपड़े को ताजमहल कहते हैं। इसलिए हर किसी की बात को सुनते हैं। कलाकार हैं तो कोई अगर मुझसे लोकगीत गवाता है तो लोकगीत गाते हैं, कोई हमसे भक्ति गवाता है तो भक्ति गवाते हैं, नाज शरीफ गवाता है तो नाज शरीफ गाते हैं। आप भारतवासी हैं और ख़ास करके मध्य प्रदेश के अपने चाहने वाले फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे अगर आपकी तरह कोई सिंगर बनना चाहे? मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हाँ वहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग भी हुई है। और वो सीधी, नाम तो सीधी है लेकिन बहुत बड़ी जगह है वो, क्योंकि आपने बीरबल का नाम सुना होगा, अकबर बीरबल के लतीफ़े भी बहुत आते थे। बीरबल हमारी धरती के हैं, सीधी के हैं। तो हम मध्य प्रदेश के और ख़ासकर सीधी के उन तमाम संगीत प्रेमियों को जो अच्छा, बीरबल मिले हैं आपको, कोई दूसरा बीरबल आपके धरती पे पैदा हुआ कि बस वही एक रह गए? नहीं, बीरबल तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे वो रत्नों में शामिल थे, तो ऐसे रत्न होते हैं जो अनमोल रत्न, जो दोबारा मिलते ही नहीं हैं। अगर दोबारा मिल जाएंगे तो हमें उनका महत्व तो कम करना पड़ जाएगा, इसलिए हम उनके महत्व को बरकरार रखने के लिए हम दूसरा खोजते ही नहीं हैं। हाँ, हम उन्हीं को मानते हैं कि भाई एक हमारे हैं सब कुछ। जी करिश्मा जी, अब आप थोड़ा सीधी हो जाएं और बताएं अपने बारे में कुछ। मैं मैंने अभी स्टार्ट किया है एक्चुअली, सो पहला नहीं, पहला नहीं है, कुछ बीच में गैप दिया, पर मैंने पहला नहीं है, बिल्कुल पहला नहीं है, देशभक्ति में पहला है, देशभक्ति ये मेरा पहला है बिल्कुल। एंड सर ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है, मैं बहुत बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ और मैं एक्टिंग एंड मॉडलिंग में हूँ, एंड सिंगिंग मेरा पैशन है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, इसलिए मैंने शुरू किया था, बट ड्यू टू कुछ रीजंस की वजह से मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था और फोकस किया अपनी एक्टिंग एंड मॉडलिंग पे। सो क्योंकि अभी सर जैसा एक यू कैन से गुरु मिला है, तो अभी मैं थोड़ा फोकस हुई हूँ दोबारा से अपने पैशन को लेके कि अभी मुझे करना है। सो इसलिए, और ये बहुत ही अच्छा बिगनिंग था क्योंकि ये देशभक्ति का सॉन्ग है और 26 जनवरी आ रहा है, सो ये बहुत ही अच्छा बिगनिंग था, इसलिए इसको गाने में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और जो लाइंस उन्होंने लिखी हैं वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। जो जब आएगा आप लोगों के सामने तो आप लोगों को भी बहुत 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 पसंद आएगा, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमें इतना मज़ा आया, तो जब आप सुनेंगे तो आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। कब से हैं इस फील्ड में? मुझे मुलाकात हुई तिवारी जी से, मैं अभी मिली हूँ, मुझे हुआ हार्डली 2 महीना आई थिंक, एंड उसके बाद मैं हूँ इस फील्ड में, ये मेरा 4th साल है, और इससे पहले मैं डायरेक्शन में थी, फिर मैं एक्टिंग में स्विच किया, एंड अभी साथ में म्यूजिक को भी लेके चलने का मेरा प्लान है ऐसा। तो 2 महीने में पहला सॉन्ग हो गया था, माने कि अगले साल तक 10-12 सॉन्ग हो जाएंगे? आई विश ऐसा हो, और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा हो, और जो वो चाहते हैं उस पर मैं खरी उतरूँ और उतना ही बेहतरीन उन्हें परफॉर्मेंस दे सकूँ। सो क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है तो मैं उनका नाम ख़राब नहीं करना चाहती ऑफकोर्स, तो इसलिए मुझे खुद पर बहुत मेहनत करनी है और बेस्ट देना है अपना इस देशभक्ति में। बहुत 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 अच्छा, उन्हें गाता हुआ देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इतना एनर्जी में बहुत कम लोग आपको गाते हुए दिखते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने गाते हुए देखा है, बट इतनी एनर्जी के साथ, फुल ऑफ एनर्जी एवरी टाइम, म्यूजिक मतलब म्यूजिक इज़ ऑन हेड, तो वो चीज़ मैंने उनमें देखी है, एंड वो कमाल का एक्सपीरियंस है नो डाउट, बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है जब आप किसी को देखते हैं कि वो इतना बड़ा म्यूजिक लवर है। आप कैसा, किसके जैसा बनना चाहती हैं? अभी तो फिलहाल मैंने टारगेट किया है कि जी उनके साथ ही थोड़ा सा मैं लग के काम करूँगी और कोशिश करूँगी कि रियाज इतना करूँ कि जो वो चाहते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी मेरे से, मैं वो सारी चीज़ें पूरी कर सकूँ, वो सारी एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी करूँ। सो जस्ट अच्छा, सिंगर आजकल एक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या गाने में आप एक्ट भी करेंगी? बिल्कुल, बेसिकली मैं एक्टिंग की ही हूँ, मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और अगर ऐसा होता है तो मैं डेफिनेटली एक्ट करूँगी। जी, अब आपको तो मौका मिल गया एक्ट करने का, साथ में भी क्या कहें? नहीं, अब कहेंगे कि हम लोग करेंगे बिल्कुल करेंगे हाँ, देशभक्ति में तो करेंगे ही, रोमांटिक भी करेंगे।
क्योंकि मान लो अगले महीने तक दो चार गाने आ जाएंगे रोमांटिक 100%। अभी तो होली का एक बहुत ही शानदार, अभी हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, सो आई विश ये होली तक कुछ अच्छा, कुछ और भी अच्छा आएगा, सैड सॉन्ग भी आएगा, होली का भी आ जाएगा और बहुत अच्छा होगा। चलिए आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, शुक्रिया धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ बताइए गाने के बारे में। ये देशभक्ति सॉन्ग है और टचवुड करिश्मा जी और प्रकाश जी ने इसमें चार चांद लगाए हैं और बहुत दिनों बाद, मतलब ऐसा जोशीला और एक क्या बोलते हैं गदरा गदगद कह सकते हैं, सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा है। और मेरी शुभकामनाएं करिश्मा जी और प्रकाश जी के लिए, थैंक यू, कि मौला इनको बहुत नवाजे और ता कयामत तक इन लोगों का नाम हो, इस टाइप की मेरी का शुभकामना। आप अपना नाम बताइए और उसके बाद हम ये पूछेंगे आप मुझे, वही थी कैमरा ही ले जा रहे थे। जब सिंगर अच्छे होते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर को भी मजा आता है काम करने में। म्यूजिक डायरेक्टर मैंने वही इनके कैसे म्यूजिक करा, कैसा रहा आपका? स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं धीरज सेन। आज मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है, मैं प्रकाश जी और कृष्णा जी को रिकॉर्ड किया मैंने और टच उड़ इन्होंने बहुत अच्छा गाया, मतलब बहुत दिनों बाद मुझे मैंने बहुत अच्छा गाना सुना और बहुत ही जोशीला और बहुत ही दमदार, इसको कहते हैं वैसा सॉन्ग था, मतलब सभी अच्छे सॉन्ग होते हैं लेकिन आज वाला सॉन्ग में वाकई बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और दोनों ने टच उड़ बड़े दिल से गाया और बहुत सुरीला गाया और मेरी शुभकामनाएँ हैं। और ये देशभक्ति गीत है, मतलब जो सुनेगा ना उसमें, इसमें कुछ लाइनें तो ऐसी है कि ऐ माँ फिर से देना जन्म वगैरह वगैरह, मतलब कुछ तलवार तिरंगा की शान में जो गाया है और जो कहा है, जो लिखा है, स्पेशली जिन्होंने लिखा है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लिखा है जिन्होंने भी लिखा है, मुझे नाम पता नहीं है, प्रकाश जी हैं तो बहुत ही बढ़िया टच उड। और दोनों के लिए क्या शुभकामनाएं, करिश्मा जी ने पहली बार तिवारी जी के साथ गाना गाया, आपकी क्या शुभकामनाएं, आप क्या इनका भविष्य देख रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा, सुबहानअल्लाह, मेरे पास शब्द नहीं है न करिश्मा जी के लिए न प्रकाश जी के लिए। और टच उड ये आने वाले टाइम में तो बस आपको ही बताएगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मुंबई में पहली बार आया तो सबसे पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे मिले उनका नाम धीरज सेन नहीं था, मैं इनके पास आया, मैं एक फिल्म करने के लिए आया था, गाने बनाने के लिए मुझे चाहिए था कोई बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ बहुत अच्छा व्यक्ति भी चाहिए था, जो कि इनके अंदर वो दोनों क्वालिटी है, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कि समझते हैं सारी चीज़ों को और ख़ासकर सिंगर को लेके बहुत अच्छा एक्साइटेड रहते हैं कि उसकी आवाज़, चूँकि सिंगर के पास क्या होता है, उसकी आवाज़ होती है, जब सिंगर की आवाज़ बाहर आती है तभी हम बता पाते हैं कि हम सिंगर हैं, वरना कहीं भी गाओ तो वो हमें अभी उस तरह की अच्छी आवाज़ हमारी खुद की, मुझे लगता है मैंने गाया क्या, बाद में याद आता है कि हाँ मैंने गाया था, लेकिन इनके यहाँ वो क्वालिटी है, ये वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत शुक्र, ये इनका बड़कपन है, ये ऐसा सोचते हैं, बाकी ये खुद ही अपने आप में फनकार है, मैं तो सिर्फ फन को निखारने निखारने वाला, बस दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू।